दोस्तों आज होगा पिछली आईपीएल की फाइनलिस्ट टीमों के बीच आईपीएल 2023 का 23वां मुकाबला। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आज के मैच में इन दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 क्या होगी और इन दोनों टीमों में से कौन सी टीम का पलड़ा भारी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जहाँ दोस्तों पहले बात करें, पिछले आईपीएल का फाइनल इन दोनों ही टीमों के बीच खेला गया था। उस मैच को गुजरात ने जीत कर आईपीएल की किताब को अपने नाम किया था। ऐसे में उस हार का बदला राजस्थान आज के मैच में लेना चाहेगी। और दोस्तों ऐसे में इन दोनों ही टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो इन दोनों ही टीमों के बीच अब तक टोटल 3 मुकाबले खेले गए हैं और ये तीनों के तीनों गुजरात ने जीते हैं। ऐसे में आंकड़ों को देखते हुए पूरी तरह पलड़ा गुजरात का भारी दिख रहा है। लेकिन दोस्तों ये दोनों ही टीमें इस आईपीएल में भी कमाल का प्रदर्शन कर रही हैं और ऐसे में इन दोनों ही टीमों के बीच ये मैच देखने में और भी ज्यादा मजा आने वाला है। और ऐसे में इन दोनों ही टीमों के बीच आज आईपीएल का 23वां मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा शाम को 7:30 बजे। और दोस्तों अब बात करें इन दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 इस मैच में क्या होगी, तो पहले बात करें गुजरात टाइटंस की। तो गुजरात की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए वृद्धिमान सहा के साथ शुभमन गिल नजर आएंगे। तो मिडिल ऑर्डर में शाई सुदर्शन, कप्तान हार्दिक पांड्या, डेविड मिलर, राहुल तिवतिया और राशिद खान मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते दिखाई देंगे। तो गेंदबाजी में अजराली जोसेफ, मोहम्मद शमी, मोहित शर्मा और जोसुआ लिटिल गुजरात की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनते दिखाई देंगे। तो अब बात करें राजस्थान रॉयल्स की, तो राजस्थान की तरफ से ये जसवी जायसवाल के साथ जॉस बटलर ओपनिंग बल्लेबाजी करेंगे। तो मिडिल ऑर्डर में देवदत्त पाड़ीकल, कप्तान संजू सैमसन, शिमरन हिडमायर, ध्रुव जरेल और जेसन होल्डर मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते दिखाई देंगे। तो गेंदबाजी में रविचंद्रन अश्विन, युजवेंद्र चहल, ट्रेंट बोल्ट और कुलदीप सैन राजस्थान की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनते दिखाई देंगे। और दोस्तों इस मैच में इन दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 कुछ इस तरह होगी। जहां दोस्तों ये दोनों ही टीमें पिछले आईपीएल फाइनल के बाद एक बार फिर से आमने सामने होंगी। और इस बार आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं।